तो भाई लोग कैसे हो यार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कार 98K को प्रॉपरली कैसे यूज़ करें। तो यार मैं नहीं चाहता तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं सीधा बताता हूँ कि वीडियो में क्या होने वाला है। तो भाई लोग इस वीडियो में तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे अटैचमेंट्स के बारे में कि मतलब क्या लगाना सही है और क्या मतलब बिल्कुल ही बेकार है। तो उसके बाद देखेंगे इस गन का बुलेट ड्रॉप, क्योंकि AWM तो है नहीं है कि भैया सीधा ही जाएगी गोली, है ना, तो थोड़ा मतलब देख के मारना पड़ता है। और आखिरी चीज़ है माइंडसेट, कि तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए जब तुम कार 98 चला रहे हो। खैर वो लास्ट में ही बताऊंगा मैं। तो यार आप पहले बात करते हैं अटैचमेंट्स की। तो भाई अटैचमेंट के नाम पे बस तीन चीज़ें लगती है कार 98 में, एक स्कोप, एक मजल और एक स्टॉक। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं स्कोप की। ठीक है, देखो तुम्हारे पास जब तुम क्लासिक खेल रहे हो तुम्हारे पास मतलब इतनी कोई चॉइस नहीं है कि भाई कौन सा स्कोप तुम लगाओगे। ठीक है, क्योंकि किस्मत पर डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा स्कोप मिलेगा। तो वो स्कोप को हमें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी चॉइस नहीं मिलेगी यार तुम्हें। जो मिलता है उसे लगाओ और चल दो बस। पर्सनली मुझे ATAX सबसे बेस्ट लगता है कार 98 में, क्योंकि इसमें बस बोल्ट एक्शन है, एक ही गोली चलानी है और रिकॉयल कंट्रोल करने का कोई झमेला नहीं है, तो ATAX लगाते हो तो बेस्ट है यार। तो यार अब बात करते हैं स्टॉक की। ठीक है, देखो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है स्टॉक के लिए, एक चीक पैड और एक बुलेट लूप्स। और भैया मैं सही बता रहा हूँ, दोनों किसी काम के नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेकार है। अगर तुमने स्टॉक में कुछ नहीं लगा रखा ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने का भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ने का तुम्हारी गन को। तो यार सबसे पहले बात करते हैं चीक पैड की। क्या करता है ये? यहाँ पे लिख रखा वर्टिकल रिकॉइल। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब वर्टिकल रिकॉइल कम करता होगा, ठीक है, ऊपर नीचे का जो रिकॉइल है वो कम करता होगा। पर कार 98 है एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल, तो मतलब वर्टिकल रिकॉइल का क्या करोगे, एक गोली ही चलनी है। रिकॉइल क्या होता है, जब तुम एक गोली चलाते हो तो मतलब दूसरी गोली चलाने के टाइम इसको हिल जाता है, थोड़ा सा ऊपर चल जाता है या नीचे चल जाता है, सॉरी अगर मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ तो वो होता है, ठीक है, पर तुम चला रहे हो एक गोली, तो यार रिकॉइल कंट्रोल करने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। तो मतलब यार कुछ काम नहीं है इसका चीक पैड का, ये बस ऐसी है, तुम्हें लगाना है लगाओ, पर कुछ नहीं होने का, कुछ भी नहीं। तो दूसरी चीज़ है बुलेट लूप्स। ये क्या करता है, ये करता है रिलोडिंग टाइम लिख रहा है यहाँ पे, तो मतलब रिलोडिंग टाइम थोड़ा कम कर देता होगा। ठीक है, 5 गोली लगनी है उसमें, तुम मतलब क्या कर लोगे जल्दी रिलोड करके। ध्यान से सोचो एक बार, अगर ये मशीन गन होती, सब मशीन गन होती, मैं मानता कि हाँ भाई रिकॉइल करना है, बंदे आ रहे हैं, 4 बंदे एक साथ आ रहे हैं, मारना पड़ेगा। पर यार तुम मारोगे कार 98 से दूर के बंदों को, तो मतलब क्या कोई लॉजिक ही नहीं है ना। चलो ठीक है, मतलब देखो अगर तुम लगाना चाहते हो मेरे ख्याल से बुलेट लूप से लगाओ, क्योंकि चीक पैड यार कुछ काम नहीं है उसका, वो होना ना होना एक ही बात है। तो यार यहाँ पे स्टॉक में मेरे हिसाब से तुम लोगों को बुलेट लूप लगाने होंगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे पे तो यार चीक पैड लगाओ, तुम्हारी मर्जी है भाई। तो यार अब बात करते हैं मजल्स की। भैया तीन टाइप के मजल हैं तुम्हारे पास जो तुम लगा सकते हो कार 98 में। एक है सप्रेसर, एक है फ्लैश हाइडर स्नाइपर का, और एक है कंपनसेटर, वो भी स्नाइपर का। यार नीचे से शुरू करेंगे, देखते हैं कंपनसेटर को। ठीक है, इसमें भी वही बात आ गई है, रिकॉइल कम करता है। यार कुछ नहीं करना तुमने रिकॉइल का, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अगर तुम मिनी 14 चला रहे हो तुम्हें कंपनसेटर लगाना है, तुम SKS चला रहे हो कंपनसेटर लगाना है, SLR चला रहे हो कंपनसेटर लगाना है। पर अगर तुम कार 98 और M24 चला रहे हो यार, कंपनसेटर कुछ नहीं करने का, वो बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, तुम्हें अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी गन स्टेबल हो रही है तो तुम लगा लो, पर असल में कुछ नहीं हो रहा है उससे। अब सेकंड वाले की बात करते हैं, फ्लैश हाइडर की। ये ठीक चीज़ है ना, मतलब जब तुम गोली चलाते हो तो मतलब बंदों को तुम्हारी फ्लैश नहीं दिखेगी, और खासकर अगर तुम सैनहॉक में खेल रहे हो और मतलब झाड़ियों में हो तुम, तो मतलब तुम्हारे लिए सही है। उन लोगों को स्पॉट करने में बहुत परेशानी होगी कि बंदा कहाँ है, नहीं तो फ्लैश दिख जाती है झाड़ियों में भी, तो पता चल जाता है कि भैया तुम फायर कहाँ से कर रहे हो। तो यार फिर से ये फ्लैश हाइडर भी रिकॉइल कम करता है, जो बिल्कुल किसी काम के नहीं है कार 98 में, पर फ्लैश हाइडर सही है। अब बात करते हैं सप्रेसर की। तो भैया जो फ्लैश हाइडर काम करता है वो सप्रेसर भी वही करता है, ठीक है, एलिमिनेट्स मजल फ्लैश। तो भैया फ्लैश हाइडर और इसमें मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बस वो रिकॉइल का है जो कार 98 में, तो तुम्हें लगाना चाहिए नहीं रिकॉइल कम करना, है ना, और वेपन नॉइज भी कम कर देता है। तो तुमने देखा होगा जब कोई सप्रेस फायर करता है तो मैप में बड़ा लंबा सा आता है वो, और तुम अगर तुम दूर से कर रहे हो तो बंदों को वो भी नहीं दिखेगा और आवाज़ तक नहीं आएगी कि भैया तुम चला कहाँ से रहो, सीधा डैमेज होगा उन्हें। भैया इससे क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि भैया सप्रेसर सबसे बेस्ट है कार 98 के लिए, ठीक है। फ्लैश हाइडर, अगर तुम्हारे पास सप्रेसर नहीं है तो फ्लैश हाइडर लगा लो, कोई बात नहीं, पर कंपनसेटर लगाओ ना लगाओ यार, एक बात है, बिल्कुल एक ही बात है, तुम ऐसी खाली गन भी चला रहे हो ना, वो भी
कंपनसेटर लगाने के बराबर होगा कार 98 में। तो भैया अब बात करते हैं बुलेट ड्रॉप की। तो यार इस वीडियो के लिए मैं 8X यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग 8X पसंद करेंगे कार 98 में, पर 6X और 4X में भी तुम लोग अंदाज़ा लगा ही लोगे यार इस चीज़ को देख के। तो भैया कई बार मैंने रीड किया इसका बुलेट ड्रॉप का पैटर्न और ये कंक्लूजन निकला है। तो अगर तुम्हारा दुश्मन 200 मीटर या 230 मीटर के अंदर है तो तुम्हें रेड वाला जो 8X में तुम्हें दिख रहा होगा रेड छोटा सा डॉट वो यूज़ करना है, ठीक है। अब तुम कैसे पता लगाओगे 200 मीटर के अंदर है कि नहीं, या तो तुम्हें एनिमीज अहेड करना होगा जैसा मैंने इस टाइम किया है, पर मेरे ख्याल से बंदा निकल जाएगा जब तक। तो तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा कि हाँ भाई इतना 200 मीटर होगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात है भैया, अगर बंदा 200 या 230 मीटर के अंदर है तो तुम सीधा ये जो 8X में रेड डॉट्स आए उसके सर पे लगाओ और फायर कर दो, क्योंकि बुलेट बिल्कुल ड्रॉप नहीं होगी और तुम्हें ऊपर एम नहीं करना, एकदम वहाँ पे सर पे लगाओ वो वाला रेड वाला डॉट और खेल खत्म है भाई। तो भाई अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें रेड डॉट के नीचे कई सारे और डॉट दिखेंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में। तो जो पहला रेड डॉट के नीचे जो एकदम ब्लैक वाला डॉट है तुम्हें उसे यूज़ करना होगा अगर जिस बंदे को तुम मारना चाह रहे हो वो 230 मीटर से लेकर 350 मीटर के अंदर है। तो यार वीडियो में तुम देख सकते हो कि बुलेट थोड़ा सा ड्रॉप हो जाती है और एकदम जहाँ पे रेड डॉट लगा हुआ था 8X का वहाँ पे नहीं जाती, उसके थोड़ा सा नीचे जाती है। तो मतलब तुम्हें पहला वाला डॉट यूज़ करना होगा, पहला वाला ब्लैक डॉट, और अगर बंदा 350 मीटर से दूर है तो तुम्हें सेकंड वाला ब्लैक डॉट यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ वीडियो में कि मैं पहाड़ी पे एनिमी अहेड करता हूँ, तो मतलब 500 मीटर कुछ है ये पहाड़ी, और तुम देख सकते हो यार जहाँ पे 8X का रेड डॉट लगा हुआ है वहाँ पे नहीं जाती बुलेट, वहाँ से थोड़ा सा नीचे मतलब बुलेट ड्रॉप हो जाती है और नीचे पे लगती है। तो देख लो भाई लोग, तुम मतलब अंदाज़ा लगा लोगे यार कि बंदा कितना दूर है, ठीक है। तो तुम इस तरह से अपना एम सही कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा पर यार हो जाएगा, तुम भी बाप बन जाओगे फिर। तो भैया ये तो थी टेक्निकल बातें, अब बात करते हैं माइंडसेट के बारे में, ठीक है। कार 98 चला रहे हो ना तो तुम्हें बस हेड के लिए एम करना है, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हें वहाँ से शॉट पड़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम लो और सर के लिए एम करो, ठीक है, सिर्फ सर के लिए। तुम्हें बॉडी शॉट मारना ही नहीं है भाई। देखो तुम लोगों को पता ही होगा कि लेवल 1 और लेवल 2 हेलमेट को कार 98 एक बार में उड़ा देती है, ठीक है, और बंदा नॉक या फिर मरता पक्का ही पक्का है, ठीक है। लेवल 3 हेलमेट है तो अलग बात है, पर अगर तुम बॉडी शॉट लेते हो और तुम्हारे दुश्मन पे लेवल 1 का वेस्ट भी है तो यार तुम्हें 3 बार उसे हिट करना होगा अपनी कार 98 से, जो कि तुम्हें पता ही है कितना मुश्किल हो जाता है। तो देखो भाई सीधा हेड के लिए एम करो, चाहे कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो हेड के लिए भाई, तुम्हें बस सर ही दिखना चाहिए, कार 98 चला रहे हो ना, सर ही दिखना चाहिए तुम्हें, बस सीधा सर के लिए एम करो। तुम बॉडी शॉट के लिए तब एम कर सकते हो जब कोई दुश्मन जोन के बाहर से आ रहा हो, क्योंकि यार हो सकता है उसकी हेल्थ पहले से थोड़ी सी कम हो, या तुम्हें लगता है कि ये मतलब आगे फाइट चल रही है और बंदे की हेल्थ कम होगी, तब तुम बॉडी शॉट के लिए कर सकते हो, नहीं तो यार फिर भी हेड शॉट के लिए ट्राई करना। तो यार बस यही बोलना था मुझे, कार 98 बहुत क्लासिक गन है, एकदम बेस्ट, बहुत सही लगती है मुझे। तो भाई लोग मुझे कमेंट में बता देना कि तुम्हें और गनों की गाइड देखनी है या नहीं, क्योंकि गन गाइड मैं पहली बार बना रहा हूँ अपने चैनल में और मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम्हें ये देखना था कि नहीं, तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। और यार सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। वैसे मुझे पता है तुम पहले ही कर चुके हो सब्सक्राइब, यार तुम पे भरोसा है मुझे। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार भाई लोग देखने के लिए, बाय बाय। Yeah, I'm fucking smacked. Body till I'm black.